हे दोस्तों, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग एक टीम गेम है। टीम के सिवा आप यहां सफल नहीं हो सकते। इस वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे क्वालिटीज के बारे में बताऊंगा जो आपको एक अच्छा पार्टनर चुनने में मदद करेगा अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे आप एक सही और बेहतर टीम बना पाओ। पार्टनर वो इंसान है जो आपके इन्वेस्टमेंट को नया मुकाम दे सकता है या उसे डुबा सकता है। पार्टनर वो इंसान है जो आपको पुश करता है, जो आपकी गलतियों को नोटिस करवाता है, आपको सही दिशा दिखाता है। आप अकेले जितना भी अचीव करोगे अपने पूरे लाइफ में, एक पार्टनर उस अचीवमेंट को 10 गुना, 50 गुना या 100 गुना तक बढ़ा सकता है। इसीलिए रियल एस्टेट को एक टीम गेम माना जाता है। आपको दूसरों लोगों के साथ मिलकर काम करना होता है। आपका टीम जितना अच्छा होगा, आपका इन्वेस्टमेंट उतना ही बेनिफिट दे पाएगा, वो उतना ही सफल हो पाएगा। पर उन पांच क्वालिटीज तक जाने से पहले मैं आपको कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में अगवा करना चाहता हूं। अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स को अपने टीम में लेना चाहते हो तो, या उनके साथ मिलके इन्वेस्ट करना चाहते हो तो, जो सवाल मैक्सिमम इन्वेस्टर पूछते हैं, कोई मानता है कि अच्छा है, कोई मानता है नहीं ये बुरा है, आप क्या मानते हो? मैं क्या मानता हूं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर उससे पहले हम इसके प्रोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला प्रोज है, ये बहुत आसान है। अगर आपके फैमिली में कोई बंदा क्वालिफाइड है, जैसे एक अकाउंटेंट, एक ब्रोकर या कोई ऑलरेडी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप उसे बहुत आसानी से अपने टीम में शामिल कर सकते हो। आपको ज्यादा रिसर्च भी नहीं करना पड़ेगा और उस इंसान के ऊपर आप पूरा विश्वास भी कर सकोगे, जो आई थिंक बहुत ही अच्छा है इस मामले में। प्रोज नंबर टू, बहुत ही कम खर्च में आपका काम बन सकता है, जो ना के बराबर होगा। फैमिली मेंबर्स आपने सर्विसेज को मैक्सिमम टाइम बिना पैसे के ही कर देते हैं, वो आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते। पर कुछ लोग जो मान सम्मान को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, वो जबरदस्ती उन्हें पे करते हैं। ये डिपेंड करता है उस इंसान के ऊपर, वो पे करेगा या नहीं, पर अल्टीमेटली आपको इसमें कम पैसा देना पड़ेगा दूसरे लोगों से। अब आते हैं कॉन्स की तरफ। पहला कॉन्स है, आप उनके साथ टफ कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। अगर कुछ गलत होता है तो आप उन्हें दोष नहीं दे सकते, उन्हें बुरा भला नहीं कह सकते, उन्हें अपने टीम से निकाल नहीं सकते, आपको जस्ट उसे जाने देना होगा। दूसरा कॉन्स, आप उनसे नेगोशिएट नहीं कर सकते, आप उनके साथ बार्गेन नहीं कर सकते। दैट मीन्स वो जो चार्ज करेगा अपने सर्विसेज के लिए, अगर वो करता है तो आप उसे ना नहीं कर सकोगे, आपको उसे पे करना ही होगा। और तीसरा, आपका रिलेशनशिप बिगाड़ सकता है अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाता है तो, और बिजनेस में ऐसा होता ही है। ये पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप उन्हें एक पार्टनर की जगह दोगे या नहीं। कुछ लोग तो स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं फैमिली मेंबर्स को अपने टीम में लेने के लिए, पर कुछ लोग फैमिली मेंबर्स के साथ ही काम करते हैं। मैं इस पे आपको जज नहीं करूंगा, पर मेरे हिसाब से रिलेशनशिप सबसे ज्यादा मैटर करता है, आपको उसे प्रोटेक्ट करना होगा। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपके डिसीजन के ऊपर छोड़ता हूँ, आप क्या करोगे वो आपकी जिम्मेदारी होगी। नाउ अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, कि कैसे एक अच्छा पार्टनर चुना जाए। तो फर्स्ट क्वालिटी जो आपको देखना होगा वो है हेल्दी डिबेट। एक दूसरे के डिसीजन पे डिबेट जरूर होना चाहिए, वो भी चीजों को पर्सनली ना लेके। डिबेट ऐसा हो जिससे पूरी टीम एक सही दिशा ले सके, जिससे सबको फायदा मिले। नहीं, मेरी बात मानो, मैं हमेशा सही हूं, ऐसा नहीं, ऐसा इगोइस्टिक नहीं। एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए पोलाइटली, ये डिसीजन क्यों अच्छा है या ये डिसीजन क्यों अच्छा नहीं है। नथिंग पर्सनल, जस्ट अ हेल्दी डिबेट। क्वालिटी नंबर टू, ओपन माइंडनेस। आपका पार्टनर ओपन माइंडेड का इंसान होना चाहिए। ऐसा ना हो आप उन्हें कन्विंस करते करते घंटा बिता दिए, पूरा दिन निकल गया पर वो माने नहीं। ओपन माइंडेड मतलब वो नए आइडियाज को वेलकम करता है, उसे वेरीफाई करता है, वो आइडियाज कितना सही है, कितना इफेक्टिव है, वो ये जरूर देखता है। आई थिंक ये ओपन माइंडनेस एक पार्टनर की सबसे बड़ी क्वालिटी है, नहीं तो आपका बिजनेस कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। और करेगा भी क्यों, लोग आइडियाज को एक्सेप्ट ही नहीं करते, वही ट्रेडिशनल वे में जिंदगी जीते हैं, तो क्यों आपका बिजनेस इम्प्रूव होगा। तो ये ओपन माइंडनेस बहुत जरूरी है, चाहे बाकी की सारे क्वालिटीज हो या नहीं, पर ये क्वालिटी जरूर होना चाहिए किसी भी बिजनेस में। क्वालिटी नंबर थ्री, कमिटमेंट। आपका पार्टनर अपने गोल पे पूरा कमिटेड होना चाहिए, चाहे
चाहे वो बिजनेस गोल हो या पर्सनल गोल, पूरा कमिटेड होना चाहिए। जैसा कहावत है, बी कमिटेड और बी एवरेज। कमिटेड बनो या एक नॉर्मल इंसान बन के रह जाओ, एक एवरेज इंसान बन के रह जाओ। अगर वो कमिटेड होगा तो वो किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तैयार होगा और उसे सॉल्व भी करेगा, जो अल्टीमेटली आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दिलाएगी। तो कमिटमेंट बहुत ही जरूरी है, कमिटेड इंसान ढूंढो, कमिटेड इंसान। क्वालिटी नंबर 4, सिमिलर वैल्यूज। आपका और उसका वैल्यू सिमिलर होना चाहिए, या आसपास होगा तो भी चलेगा। आई मीन उसकी बिजनेस फिलोसॉफीज एंड लाइफ फिलोसॉफीज। जैसे मैक्सिमम लोग समझते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है, ये अमीरों का खेल है, पर एक अच्छा इन्वेस्टर जानता है कि रिस्क क्या होता है और उसे कैसे मैनेज किया जाता है। और ये बस अमीरों का खेल नहीं है, ये हर एक इंसान का खेल है, जो मैंने आपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आप दोनों का वैल्यू सिमिलर होना चाहिए, नहीं तो हर बार डिबेट बड़ा से बड़ा होता ही रहेगा, वो कम नहीं होगा और वो आसानी से खत्म नहीं हो पाएगा, और शायद वो इन्वेस्टमेंट एक बुरा इन्वेस्टमेंट साबित हो जाए इसकी वजह से। तो वैल्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलर वैल्यूज के इंसान ढूंढो, सिमिलर वैल्यूज की, तभी वो एक अच्छा पार्टनर बन पाएगा। एंड द लास्ट वन, क्वालिटी नंबर 5, अकाउंटेबिलिटी। आप दोनों के अंदर म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। आप दोनों को रिस्पेक्ट करें, आप दोनों को पुश करें अपने गोल को अचीव करने के लिए, और आप एक दूसरे पे डिपेंड कर सके, यानी पूरा विश्वास हो एक दूसरे के ऊपर, आप उसके ऊपर डिपेंड हो सके। हाँ वो कर लेगा, वो है ना, वो कर लेगा। आपका विश्वास बना रहना चाहिए। अगेन, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग एक टीम गेम है, अच्छे टीम के सिवा आप यहाँ जीत नहीं सकते। एक अच्छा टीम आपको आसमान छूने में मदद करेगा और एक बुरा टीम आपको नीचे गिराएगा। सो अच्छे से ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ही एक पार्टनर चुनना। हाँ हो सकता है ये सारे क्वालिटीज उसके अंदर ना हो, पर कुछ तो जरूर होना चाहिए। सो गुड लक गाइस, इन्वेस्ट वेल एंड मेक अ मार्क, इम्प्रूव आवर इकोनॉमी। एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और शेयर भी कर दो जिससे दूसरे सही डिसीजन ले सके। अगले वीडियो में हम थोड़ा कोड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे इसी रियल एस्टेट को लेके। तब तक टेक केयर एंड बी सेफ। और ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप हमारे रियल एस्टेट प्लेस को चेक कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आपके लिए। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में उस एनालिसिस वीडियो के साथ। बाय बाय।